साथ है डॉक्टर विजय चौधरी, पूर्व अध्यक्ष है हमारे साथ, वो जुड़ेंगे। तो वहीं डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। तो तीसरी लहर का कहर बन सकता है ओमिक्रोन, इसको लेकर बड़े सवाल लगातार उठ रहे हैं। ऐसे में ओमिक्रोन के वार पर इन डॉक्टरों का बहिष्कार कितना भारी पड़ेगा ये भी समझना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त स्वास्थ्य महकमे का पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रहना। इन सब के बीच रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल कितनी भारी पड़ सकती है, कितना नुकसान उससे हो सकता है, चिंता लगातार स्वास्थ्य विभाग की बढ़ गई है। क्योंकि तीसरी लहर को लेकर लंबे समय से जो आशंकाएं लगाई जा रही थी, क्या ओमिक्रोन तीसरी लहर की दस्तक है, इसे भी समझना होगा। डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, विस्तार से वो आपको बताएंगे, क्योंकि ये वो समय है जहाँ पर हमें लोगों को जागरूक करना है, उनको डराना नहीं है, उनको किसी भी तरीके से भड़काना नहीं है, और बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी तरीके की अफवाह नहीं फैलानी है, ना ही किसी अफवाह पर ध्यान देना है। सही जानकारी होना बहुत जरूरी है, लेकिन अफवाह पर ध्यान न देना भी उतना ही जरूरी है। ऐसे में ओमिक्रोन वेरिएंट है क्या, और क्यों WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाला है, किस तरीके से इससे बचाव किया जाए और कौन से इसके खास लक्षण होते हैं, ये तमाम तरीके की जानकारी हमारे दर्शकों को हमारे डॉक्टर्स जो हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में वो देंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है इस समय सभी लोगों को ये जानना कि इसके लक्षण क्या होते हैं और किस वक्त आपको डॉक्टर को अप्रोच करना है और टेस्ट आपको कब करवाना है, क्योंकि आपको इसे बहुत ज़्यादा हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्योंकि ये तो हम सभी लंबे समय से आपको समझा ही रहे थे कि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, एकदम से देश में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो भी बढ़े हैं। इन सब के बीच विश्व स्तर पर जो खौफ, जो डर देखने को मिल रहा है ओमिक्रोन की वजह से, वो अब एंट्री हमारे देश में भी उसकी हो गई है। 21 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, 21 मामलों की ओमिक्रोन वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से सिर्फ 9 मामले, देखिए 9 का जो आंकड़ा है 21 में बहुत ज़्यादा है, 9 मामले राजधानी जयपुर से सामने आ रहे हैं। अभी भी 2 लोग संदिग्ध हैं जिनके टेस्ट के लिए सैंपल्स भेजे गए हैं। ऐसे में जयपुर वासियों को सबसे ज़्यादा सतर्क होने की, सजग होने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तमाम गाइडलाइंस का पालन करें, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मास्क ज़रूर पहने अगर आप घरों से बाहर निकल रहे हैं। बच्चे अगर आपके घर में हैं तो उन्हें सुरक्षित रखने के लिए स्कूल फ़िलहाल के लिए ना भेजें, और ज़्यादा बाहर खेलने के लिए भी ना भेजें, क्योंकि तीसरी लहर को सीधे तौर पर बच्चों से भी कनेक्ट करके देखा जाता रहा है। ऐसे में बच्चों पर कितना असर होगा ये भी डॉक्टर से हम समझेंगे। इन सब के बीच बड़ी खबर ये भी है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स भी हड़ताल पर हैं। पहले उन्होंने OPD को बंद किया और अब एमरजेंसी सेवाओं को बंद कर दिया है। अपनी कई मांगों को लेकर लंबे समय से वो हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट के बीच उनकी हड़ताल कितनी भारी पड़ सकती है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रदेशवासियों को, देशवासियों को ज़रूरत है तो स्वास्थ्य सुविधाओं की, डॉक्टर्स की और तमाम ऐसे बंदोबस्त की, जिसका अभाव हमने दूसरी लहर के दौरान देखा। और यही वजह है कि तबाही का वो मंजर एक बार फिर से न दोहराया जाए, उसके लिए राज्य सरकारों को, स्वास्थ्य महकमों को पूरी तरीके से अलर्ट रहना होगा। तमाम स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को यहाँ पर मरीजों को उपलब्ध करवाया जा सके, उसके लिए प्रतिबद्ध होना होगा। हालांकि राजस्थान सरकार ने इसको लेकर बेड्स की संख्या अस्पतालों में बढ़ा दी है, साथ ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को बढ़ा दिया है, ऑक्सीजन प्लांट्स भी कई पिछले दिनों इंस्टॉल किए गए, जिससे कि आने वाले समय में कम से कम सही वक्त पर इसका इलाज मुहैया करवाया जा सके। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के चलते, बेड की कमी के चलते हमने दूसरी लहर के दौरान कई लोगों को जान गंवाते हुए देखा है। एक बार फिर से वो मंजर न दोहराया जाए, उसके लिए राज्य सरकार पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन अगर डॉक्टर्स ही हड़ताल पर चले जाएंगे, डॉक्टर्स ही अपने काम पर नहीं आएंगे, तो तमाम सुविधाओं का हम क्या कर लेंगे, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में ओमिक्रोन का जो वार है वो बढ़ता चला जा रहा है। एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगी, तमाम दर्शकों से अपील करना चाहूँगी कि गाइडलाइंस का आप पालन करें, अपने घर वालों को भी इसके लेकर जागरूक करें, अपने दोस्त यार, अपने रिश्तेदारों, सबको ये बताएं कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है, और साथ ही सामाजिक दूरी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए भी क्योंकि ओमिक्रोन वेरिएंट को WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाला है, लेकिन एक ऐसा वेरिएंट जिसके लिए कंसर्न होना, जिसके लिए चिंतित होना ज़रूरी है, क्योंकि लगातार वैज्ञानिक ये कह रहे हैं, रिपोर्ट्स भी ये कह रही हैं कि एक ओमिक्रोन से ग्रसित व्यक्ति 20 लोगों को संक्रमण की चपेट में ले सकता है। तो देखिए संक्रमण का जो दायरा है वो कितना बड़ा है, इस चेन को हमें तोड़ना होगा अगर ये क्रिएट होती है, और ये धीरे धीरे क्रिएट होती जा रही है। 21 लोगों की पुष्टि हो चुकी है, यह आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मरने वालों का जो आंकड़ा है रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक वो बहुत कम है, न के बराबर है। लेकिन फिर भी हमको सजगता बरतनी होगी, क्योंकि 125 करोड़ का हमारा देश है, आबादी बहुत ज़्यादा है, और इतने बड़े आबादी वाले देश में किसी भी संक्रमण का फैलना बहुत ज़्यादा आसान होता है। ये तस्वीरें हमने कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान बखूबी देखी हैं, और ये
चेन एक बार फिर से न क्रिएट हो, वही तस्वीरें न दोहराई जाएं, इसके लिए ज़रूरी है कि हम भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, एक नागरिक के तौर पर जागरूक रहें, जागरूक रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाएं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रमेश चंद शर्मा जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से डॉक्टर साहब ओमिक्रोन को लेकर दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है और लंबे समय से जो आशंका यहां पर लगाई जा रही थी कि तीसरी लहर आएगी, तो क्या ओमिक्रोन की दस्तक को तीसरी लहर समझा जाए? बिल्कुल बिल्कुल मैम, जैसा कि अपन देख रहे हैं कि ओरिजिनल जो वायरल पार्टिकल था उसमें म्यूटेशन होके एक नया वायरल पार्टिकल डेवलप हो चुका है। अभी ये बताना जल्दीबाजी होगी कि ये कितना फेटल है या इसकी वजह से क्या क्या होगा, ये अभी बताना जल्दीबाजी होगी। वैक्सीन इस पर कितना अफेक्ट करेगी ये अभी अपने को बताना जल्दीबाजी होगी। पर फिर भी मैं ये कहूँगा कि जैसा कि इतना तो पता चल गया हमें कि इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है वायरस की, तो अपना 125 करोड़ का जो देश है तो उसके लिए इन्फेक्टिविटी ज़्यादा होना अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है जी। क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है मैम कि अगर 1 लाख लोगों को वायरस इन्फेक्ट करता है तो उसमें से 1000 तो 0.1% की भी अगर हम बात करेंगे, 0.1% मोर्टलिटी होती जी, तो भी 1000 लोग तो 1 लाख में से मोर्टलिटी के अंदर आ जाएंगे जी। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि ये बिल्कुल थर्ड वेव की एक प्रकार से वेरी स्टार्टिंग हो चुकी है, क्योंकि इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है वायरस की जी। देखिए साथ ही WHO ने ओमिक्रोन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में भी डाला है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा ब्रीफ कर पाए कि ये होता क्या है, किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है कि इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न में डालना और इसको नहीं डालना है? मैम देखिए, जो ओरिजिनल वायरस जो था, जो आया था 2020 मार्च में इंडिया में जिसकी एंट्री हुई, उसने फर्स्ट वेव में इतने ज़्यादा तबाही नहीं मचाई, सेकंड वेव में उसने बहुत ज़्यादा डैमेज किया। अब चूंकि इसमें 25-30 प्रकार के म्यूटेशन होके, मतलब जीनोमिक चेंज होके ये फिर से आया है, तो मैम ये कितनी तबाही मचाएगा ये नहीं कहा जा सकता। तो जब तक इस पर पूरा रिसर्च आर्टिकल हम नहीं तैयार कर लेते हैं, जब तक पूरा इसका एनालिस नहीं हो जाता है, तब तक इसको कंसर्न में रखना पड़ेगा जी। मतलब हमें इससे थोड़ा डरना तो पड़ेगा, मतलब डरने का मतलब ये नहीं है कि जी, का कारण ये इन्फेक्टिव ज्यादा है जी। तो अगर किसी को भी सिम्टम आ रहे हैं तो उसे इमीडिएटली हेल्थ सेक्टर को कॉन्टेक्ट करें और अपना टेस्ट करवाएं, और अगर विदाउट सिम्टम भी अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो उसे अपने आप को हेल्थ केयर या होम आइसोलेशन करें वो, ताकि दूसरों को इन्फेक्ट नहीं कर पाए। क्योंकि अगेन बात वही आ जाएगी कि इसकी जो सीवियरिटी है ये फिर से क्या है कि कहीं ना कहीं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कैटेगरीज है, अपनी बच्चे हैं ये 60+ की ओल्ड एज है, प्रेग्नेंट लेडीज है, डायबिटिक है, किडनी पेशेंट है, तो उनके लिए तो ये कहीं ना कहीं सीवियरिटी ज़्यादा दिखाई गई थी, तो ये कंसर्न तो मैम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सभी बातों का ध्यान रखना। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी आप समझना चाहूँगी, क्या जो इसके लक्षण होते हैं वो पुराने कोरोना वायरस के जो लक्षण होते थे उसी के जैसे हैं, या फिर कुछ बदलाव इसमें देखने को मिल रहा है, इसके कुछ लक्षण कुछ अलग होते हैं, और अगर हाँ तो वो क्या होते हैं? मैम जो अभी तक देखा गया, क्योंकि अभी तक लिमिटेड पेशेंट ही अपने पास है, तो उन्हीं के हिसाब से अपन बता सकते हैं। और जो अफ्रीका की तरफ से भी जो रिसर्च आ रही है, जो डाटा निकल के आया है जहाँ से ओरिजिनली ये म्यूटेंट होके आया है जी, एक बॉडी एक और वीकनेस, ये प्रोमिनेंट सिम्टम निकल के आ रहे हैं। फीवर इतना, जो बुखार है वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम नहीं आ रहा है, कफ भी इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम नहीं आ रहा है, तो ये एक प्रकार से कंसर्न और ज़्यादा इसलिए हो जाता है कि अगर प्रोमिनेंट सिम्टम नहीं आएंगे और बाद में अगर वो सीवियरिटी दिखा देते हैं, क्योंकि अगर सिम्टम नहीं आएंगे तो कोई भी पेशेंट को वो उसको वही नहीं होगा कि मैं टेस्ट कराऊं या वो करूं, क्योंकि फीवर एक सबसे बड़ा सिम्टम फर्स्ट में अपन ने देखा, सेकंड में भी अपन ने देखा, इसमें हेडेक, सिरदर्द, बॉडी एक और वीकनेस, ये तीन भी हो रहा है। और जो फर्स्ट तीन मैंने बताए, हेडेक, बॉडी एक और वीकनेस, ये तीन सिम्टम कंपेरेटिवली ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। कुछ लोग एसिम्टोमेटिक भी है जिनमें कोई सिम्टम नहीं है और वो ओमिक्रॉन पॉजिटिव आ रहे हैं जी। जी मैम,
बिल्कुल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये समझना कि सिम्टम्स जो हैं वो थोड़े से अलग हैं, और ऐसे कोई भी सिम्टम्स अगर आप फील कर रहे हैं तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर को जरूर अप्रोच करें। एट द सेम टाइम रमेश जी, ये भी जानना बहुत जरूरी है दर्शकों के लिए कि किस तरीके से इसे कैटेगराइज किया जाए, क्योंकि पहले होता था कि जो सिम्टम्स आपने बताया कि पुराने कोरोना वायरस में थे, तुरंत जाके डॉक्टर्स को अप्रोच करने की सलाह दी जाती थी, क्या इस बार भी ओमिक्रोन में कुछ ऐसी स्थिति है? मैम देखिए, लिमिटेड केस है तो अपने पास ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी हम ये कहेंगे कि जो कॉमन वायरल सिम्टम होते हैं जी, कॉमन जो कोई भी वायरल इलनेस होती है अपनी बॉडी में, भले वो कॉमन कोल्ड हो, कोई भी कॉमन वायरल सिम्टम होते हैं उनमें फीवर, हेडेक, बॉडी एक, माइल्जिया, कॉफ, स्नीजिंग, ये कॉमन वायरल सिम्टम्स है। तो ये अगर किसी को हो रहे हैं तो वो अपना टेस्ट कराने से और हेल्थ केयर सेक्टर में जाके अपना चेकअप कराने से हिचके नहीं। किसी को भी कॉमन सिम्टम आ रहे हैं तो वो अपना टेस्ट डेफिनेटली कराएं, क्योंकि अपन यही कर रहे हैं। अगर किसी में सिम्टम नहीं आ रहे हैं, कुछ केसेस ऐसे भी आ रहे हैं ओमिक्रॉन किसी में सिम्टम नहीं है, एसिम्टोमेटिक है, सिम्टम नहीं है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पार्ट। सिम्टम नहीं दे रहा है अगर वायरस तो मैडम वो थोड़ा पार्ट डिफिकल्ट हो जाता है, बट कॉमन वायरल सिम्टम जो है अपने फीवर, कफ, बॉडी एक, माइल्जिया, वीकनेस, तो अगर ऐसा सांस लेने में तकलीफ, थोड़ा लेटर होता है वो बाद में होता है, इनमें से कोई भी सिम्टम हो तो अपना चेकअप कराएं डेफिनेटली। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि सिर्फ ये सिर्फ अपने लिए नहीं जी, ये पब्लिक कंसर्न है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन पिछले कोरोना वायरस में या फिर दूसरी लहर में हम कहें RT-PCR भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव को लेकर बहुत कंफ्यूजन चल रहा था, अब जब ओमिक्रॉन सामने आया है क्या RT-PCR टेस्ट इसके लिए सटीक है, क्या उसमें पता चल सकेगा इजीली? एग्जैक्टली मैम, यही है कि कितना जीनोमिक डिफरेंस आ गया है म्यूटेशन के बाद में, ये भी कहना जल्दीबाजी होगा। तो अभी जो RT-PCR में नेगेटिव आ रहे हैं, किसी को अगर सिम्टम आ रहे हैं, इनकेस किसी को दिक्कत ऐसा कुछ है और उसका RT-PCR नेगेटिव आ रहा है, तो मैं तो ये कहूँ कि वो भी अपने आप को थोड़ा आइसोलेट कर ले फैमिली से अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि जो रूटीन RT-PCR टेस्टिंग वाला जो सिस्टम है जी, जो अपना डेल्टा और जो अपने ओल्ड वायरस को डिटेक्ट करता था, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो ओमिक्रॉन को तो वो एग्जैक्टली तो डिटेक्ट कर नहीं पाएगा, ओमिक्रॉन का जो जीनोमिक सिक्वेंस है वो डिफरेंट है। तो अगर कोई सिम्टोमेटिक है जिसको सिम्टम्स आ जी, तो वो तो डेफिनेटली मैम या तो हॉस्पिटल में एडमिट हुए या घर पे अपने आप को आइसोलेट करें, ताकि जो दूसरे लोगों में नहीं फैला पाए। चलिए ठीक है डॉक्टर, इंडिया में जो अपन ओमिक्रॉन के लिए जो टेस्टिंग कर रहे हैं जी, वो थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसमें, क्योंकि एग्जैक्ट जो अपनी लैब्स है वो भी थोड़ी लिमिटेड है, थोड़े टाइम में जल्दी ओमिक्रॉन के लिए भी किट आ जाएगी और वो थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर, विजय चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए, जाट के पूर्व अध्यक्ष, बहुत स्वागत है सर आपका। आपसे समझना चाहूंगी कि किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं, क्योंकि लगातार तीसरी लहर को लेकर संभावना जताई जा रही थी, कई स्पेक्टुलेशंस हो रहे थे, अब जब ओमिक्रॉन की एंट्री हुई है और धड़ाधड़ केसेस भी बढ़ रहे हैं विश्व स्तर पर भी, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं, क्या वाकई में तीसरी लहर शुरुआत इसकी हो चुकी है? मैडम, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते कि तीसरी लहर अभी नहीं आ रही है। जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं और ओमिक्रॉन जो वेरिएंट के केस डिटेक्ट होने लगे हैं और WHO ने भी इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है, ना तो कोई रिसर्च डेटा है, ना इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में कुछ पता है कि किस को कितनी जल्दी में ये इन्फेक्ट करेगा और कहाँ इसकी डिजीज के जो सिम्टम है वो ज़्यादा सीवियर होंगे, क्योंकि जो सेकेंड वेव आई थी वो बहुत ज़्यादा सीवियर थी, जिसमें डेल्टा और इस तरह के वेरिएंट और भी आए थे, तो अब जो होना तो अभी समय है, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि जो कोरोना से संबंधित जो भी डॉक्टर विजय चौधरी, आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही, आपका दोबारा से रुक करूंगी। इस बीच डॉक्टर रमेश, जैसा कि जिक्र हम कर रहे थे लगातार इसके लक्षण को लेकर, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है समाधान को लेकर भी, हालांकि वैक्सीनेशन को युद्ध स्तर पर बढ़ाया भी जा रहा है और बड़ी तादाद में लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, लेकिन कितना असरदार कि ओमिक्रॉन पर होगा, क्योंकि लगातार अब एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट ये भी कह रही है कि वैक्सीन शायद उतनी असरदार ना हो। डॉक्टर रमेश, आवाज मिल रही है आपको?
जी मैम, देखिए वैक्सीन की जहाँ पर हम बात करेंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वैक्सीन असर करेगी। वैक्सीन तो डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेगी, बट कितना प्रोटेक्शन करेगी ये मैम डिपेंड करेगा कि किस लेवल का कितना म्यूटेशन है, कितना परसेंट जीनोमिक चेंजेस हो गया है जी, इस पे डिपेंड करेगा, पर असर करेगी इसमें कोई डाउट नहीं है, वैक्सीन ऑफ कोर्स असर करेगी। लेकिन कई लोग डॉक्टर रमेश, कई लोग जो पॉजिटिव पाए गए ओमिक्रॉन से, उसमें से कई लोग वैक्सीनेटेड थे, दोनों डोज वो लगा चुके थे। मैम देखिए, वैक्सीन लगाने के बाद भी आप इन्फेक्ट हो सकते हो, बॉडी में इन्फेक्ट होना दैट मींस कि पैथोजन ने आपकी बॉडी में एंट्री करी है, और डिजीज डेवलप होना अलग बात। तो जो लोग वैक्सीनेटेड है तो मैम उनमें अगर इन्फेक्शन हो भी गए, इन्फेक्शन हो सकता है जी, डिजीज डेवलप नहीं, और डिजीज डेवलप होगी तो वो सीवियरिटी की नहीं होगी, माइल्ड होगी। इन्फेक्ट तो मैम वैक्सीनेशन के बाद में कोई भी हो सकता है, इन्फेक्ट तो हो सकते हैं, बट अगर बॉडी में उस पैथोजन के अगेंस्ट इम्यूनिटी बनी हुई है, एंटीबॉडी बनी हुई है, बॉडी में डिजीज डेवलप नहीं होगी। इन्फेक्शन होना अलग बात और डिजीज डेवलप होना अलग बात। तो डिजीज अगर डेवलप हो भी रही है तो वो माइल्ड होगी मैम, तो प्रोटेक्ट तो करेगा। ठीक है डॉक्टर विजय चौधरी, आवाज मिल रही है सर आपको? जी मैडम मिल रही है आवाज। डॉक्टर विजय, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जैसे कि डॉक्टर रमेश चंद वैक्सीन को लेकर यहाँ पर दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे थे, एक जो स्पेकुलेशन है वो ये भी है कि बूस्टर डोज लगाई जाए, कई जगह राज्य सरकारें भी इसको लेकर केंद्र से मांग कर रही है, बूस्टर डोज क्या है और कितनी असरदार ये हो गया ओमिक्रॉन वायरस पे, जरा ये थोड़ा सा समझाइए। देखिए मैडम, जो कोरोना के समय लगभग ज्यादातर पॉपुलेशन को दो डोज लग चुकी हैं। अब बूस्टर डोज अब इस तरीके से लगाई जा रही है कि अगर जैसे किसी ने कोविशील्ड की दोनों डोज लगवा रखी है तो वो एक कोवैक्सीन का बूस्टर डोज ले सकते हैं, और लेने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन 100% ये नहीं कह सकते कि बूस्टर डोज लेने के बाद में ओमिक्रॉन वेरियंट से इन्फेक्शन आपको होगा ही नहीं। चलिए डॉक्टर विजय चौधरी पर फिर से आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही, आपसे दोबारा से कनेक्ट करेंगे। डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा, इन सब के बीच बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये समझना है कि हम इसको लेकर कितने तैयार हैं, राज्य स्तर पर तमाम तैयारी की जा रही है, सरकारें यहाँ पर स्वास्थ्य महकमों को निर्देश भी दे चुके हैं, अस्पतालों को लेकर, बेड्स को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर तमाम सुविधाएं की जा रही हैं, लेकिन अगर डॉक्टर्स ही वहाँ नहीं पहुँचेंगे तो इन सुविधाओं का क्या लाभ होगा? सर जिस तरीके से रेजिडेंट डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर हैं, पहले ओपीडी को बंद किया, अब इमरजेंसी सेवाओं को बंद कर दिया है, ओमिक्रॉन के इस वार पर इनकी हड़ताल कितनी भारी पड़ सकती है? जी मैम डेफिनेटली ये भी कंसर्न है कि रेजिडेंट्स जो होते हैं बेसिकली वो बैकबोन होते हैं जी। रेजिडेंट किसी भी इंस्टीट्यूट के बैकबोन होते हैं, पर मैम उसके साथ ही हमें ये, मैं खुद भी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उनके क्या मीटर है, मैं को उनके मुद्दों को भी थोड़ा संवेदनशीलता से देखना पड़ेगा मैम। ऐसे नहीं किसी को अपन मजदूर की तरह 24 घंटे वो करे जा रहे हैं, अपन उनका मतलब एक प्रकार से क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब जो लोग दो साल से पस्ती रहे एमडी के अंदर ही काम कर रहे हैं मैम, ये थोड़ा सा एक सेंसिटिव मैटर है, इसको जहां तक मेरा मानना है गवर्नमेंट को इसमें लुकआउट करना चाहिए, और कोर्ट में भी गवर्नमेंट को उस हिसाब से मैटर को रखना चाहिए भाई, ये तो मोस्ट सेंसिटिव मैटर है, हेल्थ सेक्टर बहुत सेंसिटिव इशू होते हैं इसमें, और गवर्नमेंट को इसको थोड़ा सेंसिटिविटी से कोर्ट में रखना चाहिए, कोर्ट को भी जो है जुडिशरी को भी मेडिकल के मैटर्स को थोड़ा प्राथमिकता से देखना चाहिए। बिल्कुल, चूंकि डॉक्टर्स भी हड़ताल पर हैं और जो संक्रमण है वो तेजी से फैल रहा है डॉक्टर रमेश, ऐसे में अगर आप थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को ये दे पाएं कि अगर आप अस्पताल पहुंच रहे हैं सही वक्त पर, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है या फिर इलाज नहीं हो पा रहा है, टेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो फर्स्ट एड के तौर पर वो क्या करें इसके लिए? मैम देखिए ऐसा है कहीं भी कि डॉक्टर्स नहीं है हड़ताल पे, सिर्फ रेजिडेंट कंसल्टेंट डॉक्टर्स कहीं भी एब्सेंट नहीं है, जैसे जयपुर में अपन देखें एसएमएस हो चाहे आरयूएच हो चाहे जयपुर या हो, सभी जगह कहीं भी ओपीडी और इमरजेंसी में नहीं है, और डॉक्टर्स को सभी जगह अवेलेबल है, ऐसा कहीं भी हो नहीं रहा है कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं, रेजिडेंट डॉक्टर्स मेनली वार्ड वाला सेक्टर देखते हैं, मतलब जो भी डॉक्टर अवेलेबल हो कम से कम उन्हें अप्रोच करें, उन्हें अपनी समस्या बता दे। चलिए ठीक है, इस बीच डॉक्टर विजय चौधरी जी आवाज अगर आप मिल रही हो, एक लास्ट रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी, क्या एडवाइस इस बीच आप दर्शकों को देना चाहेंगे, क्या डूज एंड डोंट्स की लिस्ट?
मैडम आवाज मिल रही है, क्या पूछ रहे हैं आप? डूज एंड डोंट्स फॉर पेशेंट्स। जी जी, डूज एंड डोंट्स अगर कुछ हो तो क्या हो, एडवाइस क्या करना चाहेंगे आप दर्शकों को? देखिए दर्शकों को मैं ये एडवाइस करना चाहूंगा कि कोरोना अभी पूरी तरीके से गया नहीं है, दूसरी लहर पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है। दर्शकों को ध्यान देने की जरूरत है कि किसी भी तरीके से भीड़ भरी जगहों में ना जाए और भीड़ भरी जगहों में हिस्सा लेने से बचे, सामाजिक दूरी रखें, हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉशिंग इनकी पालना करें और किसी भी तरह का फीवर, कोल्ड, कफ, बदन दर्द हो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें, और जिसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वो वैक्सीन लगवाए, जिसको पहली डोज लग गई वो दूसरी डोज लगवाए, जिसको दोनों डोज एक वैक्सीन की लग गई तो दूसरी वैक्सीन की अल्टरनेट वो बूस्टर डोज के लिए जा सकते हैं। ठीक है, लबोलुभाव ये है कि तमाम गाइडलाइंस का पालन करें और वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त कि लोग जागरूक हो, लोगों को पता हो कि ओमिक्रॉन है क्या, इसके लक्षण क्या है, किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, क्योंकि जो जानकारी है वही सबसे बड़ा बचाव है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।